राजधानी रांची में 2021 नियोजन नीति रद्द होने व रोजगार की मांग को लेकर शनिवार को सैकड़ों की संख्या में छात्र सड़क पर उतरे। वहीं छात्रों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन व शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का भी पुतला फूंका। साथ ही छात्रों ने सोमवार 19 दिसंबर को झारखंड बंद की घोषणा की। वहीं अभी से लेकर राज्य के युवाओं में भी खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। जगह जगह सीएम और शिक्षा मंत्री को लेकर भी लोग नाराजगी जता रहे हैं। वहीं यहां के युवाओं का भी मानना है कि राज्य की हेमंत सरकार नीतियों को जानबूझकर सिर्फ पेच में डालना चाहते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार की शुरू से ही नियोजन नीति लाने की मंशा नहीं थी, इसलिए सरकार ने असंवैधानिक व साजिश के तहत गलत नियोजन नीति 2021 लाने का काम किया था, जिससे झारखंड के हजारों छात्रों का भविष्य खराब हो गया। हाई कोर्ट के इस निर्णय के बाद करीब 50,000 नियुक्तियों पर सीधा असर पड़ रहा है। करीब 3.5 लाख पद राज्य में खाली पड़े हैं। आज झारखंड की राजधानी रांची में हम लोग माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का और माननीय शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का झारखंड की राजधानी रांची के शहीद चौक में हम लोग पुतला दहन किए। पुतला दहन इसलिए कि एक सुनियोजित तरीके से साजिश के तहत एक असंवैधानिक नियोजन नीति ला करके जो है कि झारखंड के छात्रों को भविष्य का बर्बाद करने का काम किया है और वो अपनी मंशा में सफल हो गया है। इसीलिए अब जो है कि हम लोग आज ऐलान करते हैं माननीय सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री को कि आप तत्काल जो है कि नियोजन नीति लागू करिए और हम लोग आगे सोमवार को रांची बंद करने का काम करेंगे। सबसे पहले तो हम बता देना चाह रहे हैं कि आज झारखंड के छात्रों के द्वारा जो है कि मोराबादी मैदान से झारखंड की राजधानी रांची तालबट टक्का चौक तक विशाल महारैली करके हम लोग माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का और माननीय शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का पुतला दहन कर दिया है। पुतला दहन इसलिए कि ये सरकार बने 3 साल हो गया और ये सरकार का जो मंशा है कि हम झारखंडी छात्रों को रोजगार नहीं देंगे और वो अपने मंशा में सफल हो गए कहीं न कहीं, और एक साजिश के तहत जो एक असंवैधानिक नियोजन नीति बना करके उसको हम लोग के बीच में ला करके उसको रद्द कर दिया गया है। इसलिए हम निरंतर आंदोलन करेंगे और सोमवार को रांची ऐतिहासिक बंद होगा। इंतजार कर रहे थे कि वर्तमान सरकार आई है, हमारे हाथ में सोचेगी, हमारे लिए नियोजन दिलाएगी, लेकिन जिस समय नियोजन नीति आई था उसी समय हम लोगों ने विरोध किया था कि आपका नीति गलत है। उसके बाद भी राज्य सरकार ने उस पर अपनी हामी नहीं भरी और उसको रमेश हांसदा को चुनौती को स्वीकार किया और आज हाईकोर्ट ने आज उस नियोजन नीति को रद्द कर दिया गया है। और आज जाहिर कि रद्द होने के बाद से लगभग झारखंड में जितनी भी वैकेंसी निकाली गई थी लगभग 10 लाख युवाओं का जिंदगी बर्बाद कर दिया गया, क्योंकि हमें परीक्षा लिखने का अवसर ही हमसे छीन लिया गया और इसीलिए हम लोग सारे युवा सड़क पुत्र हैं। झारखंड सरकार ने वादा किया था कि युवाओं को रोजगार देंगे, 5 लाख नौकरी का वादा किया था, हम लोग 5 लाख कभी नहीं मांगे थे। हम लोगों ने कहा था हमें सिर्फ आप अवसर दीजिए, हमारे अंदर योग्यता होगा हम ले लेंगे। ये सीजीएल का जो एग्जाम था पिछले 2016 से अब तक 4 बार रद्द हुआ है। किसी भी स्टूडेंट के पास पेशेंस का एक सीमा होता है, अब जब वो सीमा टूटता है तो ऐसा ही सड़कों में वो आग निकलता है, गुस्सा निकलता है। और इसीलिए मैंने मुख्यमंत्री से बार बार मिलने के बाद यही कहा था कि नियोजन नीति सुधार कीजिए, ये इसमें त्रुटि है, लेकिन उन्होंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। उन्होंने उनको लगा कि हम जो कर रहे हैं सरकार के हित में कर रहे हैं और ये वाकई में केवल सरकार के हित में था, युवाओं के हित में नहीं था। और इसीलिए हम लोगों ने इस नियोजन नीति का विरोध किया था, लेकिन आज माननीय हाईकोर्ट के द्वारा भी इस नियोजन नीति को रद्द कर दिया गया है और आज हम सभी लोगों ने ये निर्णय लिया है कि आज हम लोग यहाँ पे पुतला दहन किया है सिर्फ 2 लोगों का। अगर 15 दिन के अंदर में झारखंड में सभी विधायक मिल करके नियोजन नीति नहीं बनाएंगे तो पूरे राज्य में 81 विधानसभा के क्षेत्र में जितने भी विधायक हैं 81 विधायकों का पुतला दहन करेंगे पूरे राज्य में और पूरा झारखंड को बंद करेंगे। ये झारखंड के सभी बेरोजगार युवाओं का आह्वान है और इस आंदोलन को सड़क से लेकर सदन तक हम लड़ने के लिए तैयार है।
बिल्कुल बंद घोषणा है, बिल्कुल है। सोमवार को हम लोग इसका निर्णय ले रहे हैं। सोमवार को हम लोग इसका शुरुआत हजारीबाग से कर रहे हैं। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।